प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने घर के सामने व्यापारी छोटू सिंह पर किया फायर, बाल बाल बचा व्यापारी की जान। निशाना चूकने पर व्यापारी बचा, टिफिन में लगी गोली। सूबे के कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं व्यापारी। अज्ञात अपाचे सवार बदमाशों ने मारी गोली, फायर कर बदमाश अंधेरे में हुए फरार। फायरिंग के बाद इलाके में फैली सनसनी, ग्रामीणों ने आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। माह भर पहले पीड़ित के भाई सर्वेश सिंह उर्फ विक्की सिंह को बदमाशों ने मारी थी 7 गोलियां। कोतवाली के किठार बाजार पूरब गांव की है घटना। क्या घटना घट गई सर? हमारा लड़का सोमेश सोमवंशी दुकान बंद करके आया, उसके बाद सामान लिया दुकान दूसरे दुकान से, उसके बाद आ रहा था यहाँ साइकिल से और टिफिन लिया हुआ था। दो बदमाश अपाची से, एक हेलमेट आगे जो लगाया था वो आ करके यहाँ पे गोली मारा उसको, और अभी 20-25 दिन पहले छोटे वाले लड़के को गोली मारी गई है। हालांकि बच गया है लड़का हमारा, लेकिन हम अभी SP को भी फ़ोन लगा रहे थे, SP का फ़ोन नहीं उठा, और SO को मैंने फ़ोन किया, SO जो है चौराहे पे आके वहाँ रसगुल्ला खा रहे थे, यहाँ नहीं आए, समझे। अब पब्लिक तो भाई गुस्से में है, क्योंकि अभी 25 दिन पहले घटना हुई है, उसके बाद उसके बड़े भाई को गोली मारी गई, और पुलिस जो यहाँ की थाने की पुलिस यहाँ मिली हुई है अपराधी से, यहाँ अपराधी ये पुलिस वाले SO तक स्वयं रसगुल्ला खाते हैं बैठ के, कहीं कुछ नहीं करते हैं। और जो छोटा वाला लड़का है उसको जो गोली मारी गई है, हमसे लोगों से बयान पूछा जा रहा है कि बताइए क्या कारण है। हमने कहा कारण आप ढूंढिए, अब कारण नहीं ढूंढ पाए, अपराधी की कहने पे सारा वो मतलब अपना केस बना रहे हैं। तो थाने की पुलिस बिल्कुल मिली हुई है, यहाँ महीना इनका 70-80 हज़ार रुपया महीना बना हुआ है। थाने की पुलिस बाकायदे दारू की गाड़ी निकलवाती है, लकड़ी की गाड़ी निकलवाती है, यही इनका काम है, लोगों को शरीफ आदमियों को परेशान करती है, बदमाशों को संरक्षण देती है, यही यहाँ का प्रशासन है, यही यहाँ का SP वैसे ही है, वैसे यहाँ के सब थाने वाले हैं।